हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक एपिसोड में। और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे गीगा खड़ा हुआ है सर के ऊपर और बहुत परेशान करा है, जहां पर हमने पिछले एपिसोड में बहुत ट्राई करा है उसे पकड़ने की पर टेम करने की, पर बहुत ही वो है, ये अड़ियल है और इसका डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है और स्टोन वॉल्स काम नहीं आती, वो तो देख लिया है। तो मैंने देखा इसको कैसे पकड़ते हैं, तो आप मेटल गेट के थ्रू उसे ट्रैप कर सकते हैं और उसके लिए बेयर ट्रैप भी चाहिए रहता है। 4 मेटल डोर, मैंने 8 बनाए हैं क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, एक बार मैं मर भी गया उसको ट्रैप करने के चक्कर में। वो देखो मेरी पड़ी लाश उस तरफ, और मेरा ये जीरा भी मरते मरते बचा। देखो इसकी हेल्थ भी कितनी डाउन है, अभी ये रिकवर हो रहा है अभी तो धीरे धीरे, ठीक है। ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे, मैं तो मर गया था, मेरे को तो एक झटके में मार डालता ये। मेरा जीरा थोड़ा कर गया, मैं फटाफट आया और वो उसको बचा लिया, नहीं तो ये भी मर जाता, ठीक है। अब ये जो पेड़ दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पर मैं अपना ट्रैप लगाऊंगा। इसको मुझे थोड़ा जंगल की तरफ लेके जाना है, तो ताकि हम यहाँ पर ट्रैप सेटअप कर सकें। हेलो ये डिफिश, उसकी रेंज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कितनी दूर से मार देता है और कितनी जल्दी आ जाता है वो उस तरफ। अब ये इधर उधर जाए, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, इससे अच्छा इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं। ए यू नूब, सारे पेड़ गिराएगा मेरे को लग रहा है आज। ओ शिट, अच्छी चीज़ ये है कि माउंट पे से गिराता नहीं है ये। माउंट पे से जिस दिन गिराने लग गया उस दिन हो गया फिर हमारा। वो देखो वो मेरी लाश पड़ी हुई है ना, वहाँ पर मुझे इसको लेके जाना है, पर अभी मैं इसको थोड़ा लोअर करके बाहर की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पर ट्रैप लगा सकूँ। और बारिश होने लग गई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वेरी गुड, क्योंकि ये स्पीड एकदम से ऐसा गेन करता है, कूदता है ना मुंह पर, ये तो पूरा जंगल तबाह करने वाला है। इधर चाहिए क्या है तुम्हें? इस तरफ आओगे? हेलो, अरे यार एक तो ये बारिश भी अभी स्टार्ट होनी थी। मैं इसको इस तरफ लग कर आ सकता हूँ, ये थोड़ी सुरक्षित जगह दिख रही है। क्या कर रहा है ये? मेरी लाश खा गया, खा ले, मैंने सामान सारा निकाल लिया उसमें से। देखो जहां पर ट्रैप लगा ना वहीं पर जाके खड़ा है। Holy Kraken! मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है किधर वो। अब इसे यहीं पर छोड़ता हूँ, वो किसी से फाइट करने लग गया और यहाँ पर हम ट्रैप बनाते हैं। अरे यार पहले मौसम खुलने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मौसम में मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, आपको भी कुछ दिखेगा नहीं, और हमारे मुंह पे कूद गया तो हो गया फिर। I will stay here. हम रुकते हैं थोड़ा सा, मौसम क्लियर हो जाए फिर हम जाएंगे इसको पकड़ने के लिए। ओके, तो
खुल गया है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं पूरी तैयारी से आया हूं, मेरे पास 488 डार्ट्स हैं, दो नई नवेली गन है हमारे पास, एकदम सुपर न्यू ब्रांड। ओह इसमें डार्ट्स तो डाले ही नहीं हमने, डाल दिए। ओके दो न्यू गन है और मैं अपने टैपिहारा को यहीं पर ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं मर जाऊँ चलेगा पर मेरा टैपिहारा नहीं मरना चाहिए, इसे मैं यहाँ पर बैठाता हूँ ठीक है। और अब जाते हैं हम और वहाँ पर ट्रैप बिछाते। ए फॉलो नहीं करने का मुझको बाबा। इधर शांति से बैठने का, ओके क्योंकि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है तो ये आराम से दूर से देख लेता है ठीक है। तो अब मुझे ट्रैप लगाना है और ट्रैप मैं ऐसी जगह पे लगा रहा हूँ जाकर मैं उसको टनल कर सकूँ। बाप रे बाबा रे, ये और ये फ्लैट सरफेस भी है, यहाँ से मैं उसको सीधा इस तरफ लेकर आने की कोशिश करूँगा अपने पीछे पीछे। और जैसे ही गेट में घुसेगा वो तो गेट आपको लगाने रहते हैं ऐसे, एक यहाँ पर लगाऊँ मैं, हाँ यहाँ पे, और चार गेट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। होप ये वर्क करे, नहीं तो मुझे बताने पड़ेंगे। 170 आयन लगता है, हाँ अब ठीक है। अब जैसे ही आएगा तो मैं इसके पीछे यहाँ पर एक गेट लगा दूंगा ऐसे इसकी पूंछ के पीछे ताकि ये फंस जाए। ओके पर उसके पहले ओ भाई साहब वो घूम रहा है, मुझे यहाँ पर एक बेयर ट्रैप लगाना है ताकि ये फंसा रहे यहाँ पे। लग गया, बाप रे देख के ऐसा डर लगता है ना इसको। कम ऑन ओपन, कितना टाइम लगता है इसको ओपन होने में? अच्छा टाइम लगता है, ओके नाइस। बाप रे बाप मैं ना कूद जाऊँ इसके अंदर। ओके तो मैं उसको ऐसा लेकर आऊँगा फिर पीछे जाना, जैसे बेयर ट्रैप में फंसेगा 10 सेकंड रहेंगे मेरे पास उसको फंसाने के लिए और फिर मुझे कूदना है मुंह पर और उसे फंसाना है इसमें। अब मैं यहाँ पर खड़े रहूँ कि सीधे मेरे पीछे पीछे आए, प्लीज़ गॉड सेव मी। ओके मैं अपने टैपिहारा को लेके आता हूँ यार दूर से। थोड़ा हमें टैक्टिकली सोचना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि मैं फंस गया, मतलब कि वो फंस गया बैड ट्रैप में, मैं मर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए सच में ये टैपिहारा तो ऑसम फ्लायर है, एकदम ऑसम। इसकी मनूर क्या मनूवर करता है ये हवा में, इसलिए ये बेस्ट है, इज द बेस्ट। आ जाओ गेंडे, ओई डोंट टेरर नहीं फैलाने का इस हमारे इलाके में। ओके डोंट टेररराइज अवर पीपल। शूट्स, ओ भाई ये तो एकदम फुल स्पीड में आ रहा है, मुझे इसको वापस उस तरफ ले जाना है। आ जाओ ओई कम ओवर हियर यू डूफस, उधर मत जा ट्रैप में मत जा, ये फंसने वाला है मेरे को लग रहा है, खुद ही जाके फंस जाएगा उसमें। देखा आने गया, उड़ा 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 उड़ा। मम्मा मिया, चलो अब परफेक्ट पोजीशन पे है वो जहाँ पर मुझे इसको चाहिए है। अब मैं ट्राई करता हूँ पैदल दौड़ लगाने की, इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि वो उसमें आए सीधे और फंस जाए। मैं अपने बेयर ट्रैप और ये जो मेरे पास है इसे मैं वापस इसमें डाल रहा हूँ ताकि इसका वेट ना आए मुझ मेरे ऊपर ठीक है। मेरे पास किबल है, ट्रैंक डार्ट्स हैं, बस मुझे मारना है इसको कैसे भी करके, जितना ज़्यादा मार सकता हूँ मैं। ओके वेट अभी भी किस चीज़ का आ रहा है मेरे पास, इतना सारा टूल्स वूल्स का आ रहा है क्या, हाँ फिर डार्ट्स का आ रहा है, मैं इसे रख देता हूँ इसमें। हाँ टूल्स रखो, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये भी रख दो हम वापस लेकर आ सकते हैं इसे ठीक है। थोड़े से डार्ट्स भी रख देता हूँ, इनका वेट भी काफ़ी हैवी रहता है इनका स्पॉइल टाइम भी रहता है ठीक है। ओके मेरे पास 300 डार्ट्स हैं, अरे यार ये तो इस तरफ आ गया, जी जी इन द चैट। एक जगह खड़े नहीं रह सकता ये, इसको हिलना डुलना ज़रूरी है इधर से उधर।
अरे यार मैं वो क्यों रख कर आ गया, गेट रख कर आ गया मैं, शिट। मुझे एक गेट तो लगाना है ना यहाँ पर। व्हाई यू डू दिस, हॉरिफाइंग है ये। टोटली आ जाओ बेटा, स्कूल जाना है फटाफट से, देर नहीं करने का, ऐसे चिल्लाने का और वैसे आ जाने का पीछे पीछे। ऐसे पेड़ के पीछे से इसका मुंह निकल के आता ना तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगता। और ए टेपियारा हमारा लेवल अप हो गया है, नाइस। पहले मैं अपने ये गरम कपड़े उतार दूं, नाइस। इसको क्या लेवल अप करूं मैं, हेल्थ ही करता हूं अभी तो। जूज, हेलो, इसका नाम क्या रखूंगा मैं यार। एक तो ये है ना, ऐसे जंगल में, खतरनाक जंगल में दिखता भी नहीं है। प्लीज ट्रैप में मत घुस जाना मेरे, इधर आओ। मेरी विजिबिलिटी जीरो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से दिखेगा ना। अब सही पोजीशन पे है वो, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है, पर मुझे उसको थोड़ा सा और पीछे लेकर आना है, नहीं तो वो उस तरफ चले जाएगा। I can't see you, dude. Where you at? There you are. मत 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 फंसना मत। Holy. जब ये एक्सेलरेट करता है ना तो भाई दिल की धड़कनें ऐसी हाई रॉकेट हो जाती है एकदम, ठक 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 ठक। हाँ दैट्स अ सेफ डिस्टेंस, वेरी सेफ। ओके मैं उसे लेकर आ सकता हूँ इस तरफ। खाना खा लो, पानी पी लो, और दोपहर के 12 बज गए हैं बस, इससे पहले कि हम मरे वी गॉट टू डू समथिंग। यहीं से इसको पीछे से भगा के लेकर आना मुझे, कि मैं स्टैमिना रेस कर रहा हूँ मेरा। कौन गया वो पहुँचू, what are you doing here, or boy, a boy, you boy? Run! Wow. तो मैंने अपना सामान तो लेकर आ गया हूँ, मैं अपने वुल्फी को लेकर आया था फटाफट। हमारी बेस सबसे अच्छा है कि यहीं पर पास में है। मैंने वेट थोड़ा मैंने कम कर दिया है मेरा, ताकि मैं दौड़ सकूँ फास्टली, और साला ये बहुत डेडली है। इसकी रेंज सच में समझ में नहीं आती कि कितनी दूर है, कैसे इसको करा जाए, ठीक है। पर अब मैं ट्राई करता हूँ वापस से, मरे तो मरे, देखा जाएगा, ठीक है। और बारिश वापस से शुरू हो गई है, मैंने वेट करा, रात हो गई थी, और जैसे तैसे हम अपना सामान यहाँ से लेकर आए हैं यहाँ पर। देखा मुन्ना, बबुआ, बब्बू, ब्रा, मुझे इसको यहाँ से लेकर के आना है, इस पाथवे से
सीधा उसके नीचे से घुसूंगा मैं। हेलो, अरे यार मुझे लग रहा है कि मुझे टैपिहारा की मदद लेनी पड़ेगी। दिस इज नॉट गुड। टैपिहारा को सेक्रीफाइस नहीं होने दे सकता मैं। मैं ऐसा करता हूँ, टैपिहारा को फॉलो करके रखता हूँ मैं अपने पीछे। नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। देखो उधर धूम मचा रहा है वो। अब जाकर ओए मछलियां मार रहा है ये। वापस से बारिश रुकने का वेट करो। अब एक बार तो मर ही चुके हम। लेट्स डाई अगेन देन। क्योंकि मेन गेट तो लगा रहेगा, मैं उसको यूज कर सकता हूँ वापस से, पर बेयर ट्रैप मुझे बनाने पड़ेंगे नए। फिर बेयर ट्रैप लगा हुआ है ना उधर? हाँ लगा हुआ है मेरे पास। नहीं है कम ऑन, यू कैन डू इट ब्रो। ओके, बारिश, धूप निकल गई है, बारिश रुकने वाली है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको सीधे वहीं पर खींच के लेकर आता हूँ। एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे क्या होता है। ड्यूड फॉलो मी। आजा 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 आजा, कम ऑन इन। फंस गया। नो 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 नो। ओह शिट 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 शिट, व्हाई यू? अरे रे मेरा टैपिहारा बेचारा, सैड फज। अब हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है। व्हाई 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 यू डिड दैट यू पीस ऑफ शिट। बाप रे मुझे डर लग रहा है, मेरे ऊपर तो कोई नहीं आ रहा है। चलो बेचारा हमारा टैपी आ रहा सैक्रिफाइस हो गया इस चक्कर में। अब हम को सिर्फ शूट करना है इसे। कम ऑन, मैं मुंह पे मारूंगा इसके। ट्रैप हो गया ये मुझे लग ही रहा था। इसका डैमेज इनसेन है, डैमेज इसका। और इसमें हमको साल भर लगने वाला है इसको मारने में, फिर भी हम मारते रहेंगे क्योंकि अभी ट्रैप हो गया। अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकता ये, ना तोड़ सकता है। अरे यार मुझे इसको पकड़ने का इतना खुशी नहीं हो रही जितनी उसकी दुख हो रही है। मेरी टैपी आ रहा है, इतना अच्छा था वो। कोई बात नहीं,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सैड मुझे उसको फॉलो करवा के रखना था मुझे। ओह क्या हुआ, अनकॉन्शियस हो गया क्या? ये नहीं हुआ। क्या क्या चाहिए फिर उसको? अब भाग रहा है क्या ये डर के? लगता होने वाला है। गिरने वाला शायद अभी है। क्योंकि 100+ हो गए हैं डार्ट, सब किसी भी वक्त गिर सकता है। होली शिट, ओह माय गॉड ही इज डेड बाय डेलाइट। ओके खा ले बेटा, खा ले भर भर के किबल। अब बस मुझे ध्यान रखना है इसके, इस पे हेल्थ मीटर पे। इसको अंदर रख लो जब तक ये चल रहा है। हम मैं और थोड़ी सी और ट्रैंक्स लेकर आता हूँ। ट्रैंक्स नहीं, नार्को लेकर आता हूँ आखिरकार। ही इज़ डाउन एंड ही इज़ आउट। बाप रे बाप, क्या मतलब कि खतरनाक काम है इसको टेम करना। आखिरकार हो गया, 150 एरोज लगे हैं मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पास 400+ थे और अभी 200, 100 से तो ऊपर लगे हैं आराम से। ओ भाई इसको खिलाते रहना पड़ेगा। ये देखो
कितनी जल्दी ऊपर चले गया इसका मीटर। मुझे यहीं खड़े रहना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके आखिरकार गिरा दिया हमने इसको। नॉइस पर बेचारा हमारा टैपी हारा। सैड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम नया पकड़ लेंगे। पर उसका नाम भी मैं जीरा ही रखने वाला हूँ। ही इज़ द रियल हीरो, ही इज़ द रियल हीरो। कितना लेवल है? 72 लेवल है इसका। जायगेंटोसॉरस सबसे अच्छी बात है ये फीमेल है। नाइस, थैंक यू फॉर द सेक्रीफाइस। कि ये जीरा, इसके सेक्रीफाइस हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब देखना ये है कि कितनी देर में टेम होता है ये। ओके गिर तो गया है नीचे। ओ नाइस, 96% हो गया है। गुड गुड गुड। बस अब नेक्स्ट में जब ये खाएगा एक किबल और तो हो जाएगा गुड। इसका लेवल होने वाला है 112 के आसपास। नाइस, वेरी गुड। आखिरकार हमारा गीगा जाइगेंटोसॉरस हमने टीम कर ही लिया। फाइनली उसका नाम क्या रखें हम? बॉब, बॉब सही नाम है इसका। चलो भाई, यू तुम्हारी वजह से हमारा जीरा मर गया, ठीक है अब तुम मत मरियो। फाइनली 107 लेवल हुआ है इसका। नाइस, ये हुई ना बात। गुड गुड गुड। ओके गाइस, तो हमने आखिरकार हमारा गीगा मॉन्स्टर को टेम कर ही लिया है। ये देखो साइज हमारी, और ये है जायगेंटोसॉरस शायद सबसे फियर्सिंग डायनासोर आइलैंड का यही है आई गेस, क्योंकि अभी तक तो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे इसे ही टेम करने में हुई है। और ये नॉर्मस है, कलर भी अच्छा है, पीच हल्का सा ग्रीन। और मुझे अब नया टैपिहारा पकड़ना है। मुझे ज़्यादा तो कुछ क्या हो रहा है पता है इससे ज़्यादा। ओके तो हमने पकड़ लिया, ये फीमेल है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको इसके लिए सैडल बनाऊंगा और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और अब हमने गीगा पकड़ लिया है, अब बारी है टाइटन की। ठीक है टाइटन, वी आर कमिंग बॉयज। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत मुश्किल आई पर अब मुझे पता चल गया कि कैसे इजीली आप इसे टेम कर सकते हो मेटल गेट बना के। थैंक यू फॉर कमेंट्स में जिन्होंने बोला मुझे कि मेटल गेट्स बना लेना, उससे थोड़ा इजीली हो जाता है। एंड थैंक यू थैंक यू। और आखिरकार हमने हमारा मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया। यस यस यस, नॉइस, वी आर अपसाइड डाउन। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा, बूप बूप।